नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, सिटी वेब न्यूज में आपका स्वागत है और आपके लिए पेश है आज के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज में। कुमरानपुर स्थित जनक ढाबे पर डीजे एंड साउंड एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। चिलकाना रोड स्थित सेंट मैरीज स्कूल में क्रीड़ा भारती सहारनपुर विभाग की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सिटी वैब न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। कुमरान पुलिस ने जनक ढाबे पर डीजे एंड साउंड एसोसिएशन की बैठक में निर्धारित समय सीमा के अंदर ही डीजे एंड साउंड बजाने का निर्णय लिया गया। प्रधान राजेश कुमार ने सदस्यों से सरकारी मानक के अनुसार ही रात्रि 10 बजे तक डीजे बजाने को कहा। यदि कोई सदस्य 10 बजे के बाद डीजे बजाता पकड़ा गया तो एसोसिएशन उसका किसी तरह से साथ नहीं देगा। अवसर पर प्रधान राजेश कुमार उर्फ बिट्टू, उप प्रधान सौरभ धवन, कोषाध्यक्ष पवन अग्रवाल, महामंत्री दीपक सेठी, मंत्री फिरोज के अलावा प्रेम प्रकाश, दीपक, राहुल चौधरी, सिमरत, कलीम, विक्की, विकास, राजू, विशाल, अशोक, गौरव, जिमनी, संजय, फहीम आदि मौजूद रहे। आज किस बात को लेकर बैठक की? ये सिर्फ हाईकोर्ट के जो आदेश थे 10 बजे तक जारी के लिए बैन हुए, इस क्रिया में हम लोगों ने एसोसिएशन बनाई है और इस एसोसिएशन में हमने जो टाइमिंग पास किया है 10 बजे तक का, जो डीजे रात को बजेगा इसके बाद नहीं। चिलकाना रोड स्थित सेंट मैरीज स्कूल में क्रीड़ा भारती सहारनपुर विभाग की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने शिक्षकों को गुरु द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान प्रवीण चौधरी, सुशील कुमार, मुस्तकीम अंसारी, हैदर चौधरी, रेणु त्रिपाठी, रुचिका नेगी, सरिता प्रजापति को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य सुषमा बजाज, नीरज कुमार, रविकांत धीमान, सौरभ बजाज, अन्नू बजाज, लाल धर्मेंद्र प्रताप, बाबूराम सैनी, संजीव धीमान, वीरेंद्र कुंडीर, अब्दुल रहमान आदि मौजूद रहे। आज सेंट मैरीज में टीचर्स डे पर सेलिब्रेशन हुआ था, जिसके अंदर की जिन बच्चों ने एक्चुअली ये क्रीड़ा भारती ने मिलकर के किया है, जिन लोगों को सम्मानित करना था, कुछ टीचर्स का ऐसा है कि उनको सम्मानित करना पड़ता है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए और उन कामों के लिए उनको सम्मानित किया, जिसमें जसवंत सैनी जी राज्य मंत्री भी आए हुए थे और अपने बजाज स्कूल के और सेंट मैरीज चिलकाना रोड के बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको सम्मानित किया गया। क्योंकि जब टीचर पूरा दिन काम करता है, पूरा साल काम करता है, उसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे को लोग रिकॉग्नाइज करें, वो करना हमारा काम है। और यही हमने संदेश दिया कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, हर इंसान आज कंपटीशन में लगा हुआ है, बट टीचर ऐसा होता है जो ये सोचता है कि जिसको मैंने पढ़ाया वो बच्चा मेरा मेरे से ऊपर निकल के जाए। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संदीप पवार ने कहा कि शिक्षक जनगणना, बीएलओ चुनाव ड्यूटी प्लस पोलियो मतगणना आदि के कार्य पूरे वर्ष करता है। विद्यालयों में खाना बनवाना, ड्रेस सिलवाना, दूध पिलवाना, जूते, कापी, किताबें आदि बंटवाने का काम करता है। इन सब के बावजूद पूरे मनोयोग से बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करता है। इसके बावजूद आज सरकार शिक्षक को ही चोर साबित करने में लगी है। नित नए प्रयोग शिक्षक पर किए जा रहे हैं। आक्रोशित शिक्षक आज शिक्षक दिवस को शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के रूप में मनाने को बाध्य है। प्रदर्शनकारियों में अरविंद कुमार, राजीव यादव, राकेश पवार, सतीश राणा, कुंवर कपिल, अनुज कुमार, राजेंद्र सिंह, राजीव यादव, नीरज सैनी, राकेश पवार आदि सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। आज हमारे प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों की सेल्फी से हाजिरी सम्मेलन जो हमारे विद्यालयों का हुआ है उसको लेकर के, और उसमें हमारे प्रधानाध्यापकों के पद साफ कर दिए गए हैं प्रदेश में, उन सारी मांगों को लेकर के, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना है। और आज शिक्षक दिवस है तो उसको शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और ये अगर अभी सरकार इन चीज़ों को वापस नहीं लेती है, सर्टी है, हमारी उपस्थिति का मामला है, सविलियन का मामला है, प्रधानाध्यापकों के पद की कटौती का मामला है, नई सरकार मांगती तो 11-12 तारीख में यहाँ पर और 13 तारीख में जिलाधिकारी मोदी की यहाँ पर सिटी वैब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।